बिल्कुल 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 सरकार को ये मैसेज जाएगा, क्योंकि सरकार काफी हम लोग के संघर्ष के बदौलत बहुत ही वर्षों के बाद जो है सरकार ने एक नियमावली दी हम लोग। नियमावली में बहुत कुछ हम लोग को अंतिक जो लाभ मिला है, परंतु जो बिंदुए उसमें सम्मिलित सरकार ने अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया, जिसके चलते हम लोग अभी कहीं न कहीं जो है छले हुए या ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। सरकार को हम पुनः जगाने आए हैं, सरकार का हम एक तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार के किए हुए वादों को हम पुनः उन्हें याद दिलाने आए हैं कि जिस सरकार को हम लोगों ने बनाने में बहुत ही तन मन से सहयोग किया है, और यहां तक वो सरकार को गठन कराने में जो है संविदा कर्मियों का बहुत बड़ा हाथ भी रहा है। हम इसी आशा उम्मीद के साथ सरकार के समक्ष आज अपनी बात को प्रस्तुत करने आए हैं कि सरकार हम लोग की मांग को जल्द जल्द जो है ना पूरा करे, और जो हम लोग के बचे हुए जो है अपने वादा में जो चुनावी सभा के पूर्व जो अपने वादा में जो संबोधन किया करते थे कि सरकार बनते ही पारा शिक्षकों को 3 माह के अंदर में वेतनमान दिया जाएगा। ये जो तमाम जो लोग हैं अब मुख्यमंत्री आवास तक पूछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम जो बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे सहायक अध्यापक पहुँचे हुए हैं, और जैसा जो संघ के नेता हैं कि विनोद बिहारी महतो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तो वेतनमान है, नियमावली है, EPF है, CTET की मान्यता है, इन तमाम बिंदुओं पर जब तक संजय जी कैसे जा पाइएगा, इतना पुलिस बल 144 लगा हुआ है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपने लोकतांत्रिक ढंग से अपना काम करेंगे। मेरा प्रयास है मुख्यमंत्री तक जाना, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनके पास मांग पत्र सौंपेंगे, जिस तरह से भी हो हम लोग सरकार से प्रशासन से लड़ने नहीं आए हैं, उनका सहयोग का अपेक्षा करते हुए हम लोग आंदोलन। बहुत ऐसा आंदोलन देखे कि भीड़ भी जुटा ली और बता रहे कि हम लड़ने के लिए नहीं, मजबूरी ये हो गई कि जब से ये सरकार बनी, कहीं माटी की सरकार है, आपके लिए काम करेंगे। कुछ दिन जगन्नाथ दा के द्वारा बहुत अच्छी काम भी हुई, लेकिन उन काम को आगे नहीं बढ़ाया गया, और वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग भी है, तो एक बड़ी उम्मीद, क्योंकि इन्होंने ही चुनावी जनसभा में कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी पारा शिक्षकों को वेतनमान 3 माह में देंगे, तो वह वादा याद कराने के लिए आज राज्य के सहायक अध्यापक ऐसा नहीं हुआ। आगे क्या रणनीति है? आज पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर सरकार हमारी वादा निभाओ कार्यक्रम को सफल कर लेती है तो सरकार का वाह वाह, अगर नहीं करती है तो पुनः 15 नवंबर दोहराई जा सकती है। आपने सुना साफ तौर पर संजय दुबे ने कहा कि ये सिर्फ सरकार को आगाह करने के लिए, उनको सूचना देने के लिए है। सरकार ने ये खुद कहा था कि उनकी सरकार बनने के बाद, यानी UPA की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर उनको वेतनमान दिया जाएगा। अब करीबन 3.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है सरकार का, उसके बावजूद भी ये पूरा नहीं हुआ। अब देखिए ये तमाम जो लोग हैं सहायक अध्यापक जो पहले पारा टीचर्स कहलाते थे, वो अब यहाँ से कूच करने लगे हैं, और तमाम लोग कहीं ना कहीं कूच करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाने का इरादा रखते हैं। और बड़ा और अहम ये सवाल है कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास 144 इम्प्लीमेंट है, यानी धारा 144 लागू है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ पहुँचना मुश्किल लग रहा है। जाहिर सी बात है सरकार के जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर कुछ तैयारियाँ की है इन लोगों को रोकने के लिए, अब उस रोक में क्या कुछ उनके आमने सामने की स्थिति उत्पन्न होती है, जो पुलिस की जो तैयारी है, बैरिकेटिंग है, तमाम जो जवान हैं वो तैनात हैं, और बड़ी संख्या में जो सहायक अध्यापक हैं वो भी कहीं ना कहीं कूच करने के लिए अब तैनात हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आमने सामने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। और तमाम जो लोग हैं कृपया सारे लोग ठीक है, तो ये देखेंगे कि अब पंक्तिबद्ध होकर के ये लोग मूव करेंगे और अब देखेंगे ये मुख्यमंत्री आवास घेराव। झारखंड के सभी 62,000 सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षक वेतनमान सहित विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा द्वारा आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है, और लगातार ये लोग हैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ पूछ कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये क्या वहाँ पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और लगातार जो है इनके द्वारा कहीं कहीं नारेबाजी की जा रही है, तस्वीरें आप देखेंगे पारा शिक्षक, पूर्ववर्ती पारा शिक्षक और वर्तमान में इनको सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाता है, और इसी हेमंत सोरेन की सरकार में इन लोगों को पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक के तौर पर इनको नामित किया गया, मनाया गया। लेकिन ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के अनुपस्थिति में उनके दुनिया से विदाई लेने के बाद कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रही है, और उसी को याद दिलाने के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए ये लोग पहुंचे हुए।